हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 को लेकर के है। टैली ईआरपी 9 में अगर आप उधार खरीदारी करते हैं और फिर बाद में पेमेंट करते हैं तो पेमेंट हमें बैंक खाते से करना है। ध्यान दीजिएगा, पेमेंट हमें कहाँ से करना है? बैंक खाते से करना है। तो ये बैंक खाते से पेमेंट कैसे होगा, तो चलिए आइए समझते हैं इसी को। तो यहाँ पर कुछ एंट्रीज हमारे पास पहले से मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो परचेज की एंट्रीज हमने पास की हैं। अब इसी का हमें पेमेंट करना है, और पेमेंट कैसे करना है? बैंक खाते से करना है। पेमेंट कैसे करना है? बैंक खाते से। तो मान लीजिए कि पेमेंट जब आप करते हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए सिंगल एंट्री मोड ऑन है, तो इसको डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट करने के लिए सिंगल एंट्री मोड को ऑफ कर देना होगा। यहाँ से देखिए सिंगल एंट्री मोड दिया हुआ है, इसको ऑफ कर दीजिए और डेबिट क्रेडिट ऑप्शन को चालू कर दीजिए। ठीक है, तो ये डबल एंट्री मोड में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया डबल एंट्री मोड। अब यहाँ पर डेबिट क्रेडिट आने लगा। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करना है, जैसे क्रेडिटर पार्टी जो है इसी को पेमेंट करना है। ठीक है, तो 48,000 का पेमेंट है, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा 48,000 टाइप करते हैं। मान लीजिए पेमेंट करना है, तो ये 48,000 कर दिया हमने, अगेंस्ट रेफरेंस की विंडो आ गई है और यहाँ पर एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर ये डेबिट दिख रहा है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे CR। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये कैश कलेजर तो हम बनाते ही नहीं है, पहले से बना होता है, तो कैश हमें लेकिन करना नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर Alt C करके एक बैंक खाते का लेजर बनाएंगे। लाइक यहाँ पे कर देता हूँ मैं पंजाब नेशनल बैंक, ये लिख दिया मैंने पंजाब नेशनल बैंक इस तरीके से। ठीक है, तो ये पंजाब नेशनल बैंक लिखने के बाद हमें क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करना है, ये जाएगा अंडर बैंक अकाउंट, तो इसे बैंक अकाउंट में डाल दीजिए और यहाँ पर एंटर प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पर चाहे तो बैंक की डिटेल को आप अल्टर कर सकते हैं वाई प्रेस करके। ठीक है, वाई प्रेस किया मैंने, मुझे अल्टर करना है, तो यहाँ पर आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ बैंक में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो फिलहाल एंटर प्रेस करता हूँ, ये एजुकेशनल वर्जन है। चेकबुक इशू करते हैं तो वाई प्रेस करके चेकबुक इशू कर लीजिए। यहाँ पे चेकबुक का नंबर किससे स्टार्ट होगा वो यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, 21,4,590। तो यहाँ पर देखिए 24 चेक जो है अलाउड हो गए हैं, और चेकबुक पे नाम क्या प्रिंट होगा वो यहाँ पे देना है। तो मैं अपना नाम प्रिंट करवा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो यू कैन ऑन ऑल्सो प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, बट मुझे इसकी कोई अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। यहाँ पर अकाउंट नंबर आप दे सकते हैं, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर दे दीजिए। तो ये मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया, और यहाँ पर आपका अकाउंट होल्डर का नाम आएगा, तो मैं अपना ही नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये अकाउंट होल्डर का नाम आ गया। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, ब्रांच का नेम डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रांच का नेम देवरिया कर देता हूँ मैं। ओके, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे BR है, PUNB, और जो भी आपका IFSC कोड है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया और एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, और इसको आप एक्सेप्ट करा लेंगे हम। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट करा लीजिए। ये हो गया आपका बैंक खाता। हालांकि खाते में पैसे नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये यहाँ पर रेड में शो कर रहा है। तो इसके लिए उपाय क्या है कि जब आप लेजर बना रहे हैं, मैं आपको लेजर को अल्टर करके दिखाता हूँ, यहाँ से लेजर को अल्टर कर लेते हैं हम। तो ये लेजर पे आए और अल्टर पे आ जाते हैं, तो यहाँ से हमने बनाया था पंजाब नेशनल बैंक, तो ये हमारा है लेजर। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिएगा, नीचे आपको ओपनिंग बैलेंस डाल देना है। तो यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस डालिएगा वही जो है, अब ओपनिंग बैलेंस डाल देने से क्या होगा कि जब आप एंट्री पास करेंगे तो आपको रेड में ये नहीं शो करेगा, यानी कि कैश जो है नेगेटिव नहीं दिखाएगा। रेड में शो करने का मतलब है कि कैश नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका लेजर है, लाइक मुकेश सी ही लगा लेते हैं लेजर, 13,800 बकाया है, तो यहाँ 13,800 कर देते हैं। और भी क्रेडिटर पार्टियां हैं हमारे पास, उनका भी लेजर आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका जो भी हो वो ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यही लगा लिया है, और भी पार्टियों का बाकी है तो उसका आगे लगा करके देखते हैं हम लेजर। तो फिलहाल हमें यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक लेके आना है। तो ये 13,800 पेमेंट हो गया, और यहाँ पे इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी, ये चेक से पेमेंट हो रहा है, ये इस तरीके से हो जाएगा, और एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरी पार्टी है कुंदन सी, इसको लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 48,000 बकाया है, लेकिन 48,000 हम पूरा इनको देंगे नहीं, हम अभी कितना देंगे, सिर्फ 2,000 रुपये इनको देंगे। तो ये 2,000 कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर कर देंगे पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर 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 एंटर। तो ये इस तरीके से हमें करना है। ओके,
आई होप कि बात समझ में आई होगी आपके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।